हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका कुक विद शालू में। और सबसे पहले सभी को गणेश उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कल गणेश चतुर्थी पर मैंने एक स्पेशल सी रेसिपी बनाई है, जो कि आधा किलो चना दाल से मैंने लगभग ये 1.5 किलो लड्डू बनाए हैं बूंदी के। सुनकर आपको भी थोड़ा अजीब लगेगा कि बूंदी के और वो भी चना दाल से। तो जी हाँ, ये बिल्कुल बूंदी वाले लड्डू हैं, जो बूंदी का टेस्ट, बूंदी का टेक्सचर और स्वाद भी वही है जो मार्केट में बूंदी के लड्डू का आता है, लेकिन ये मैंने बनाए हैं चना दाल से। और आप देख सकते हैं कि इनका जो टेक्सचर है, इनका जो लुक है, वो बिल्कुल वही है जो मार्केट से मिलने वाले बूंदी के लड्डू होते हैं। साथ ही मैं आपको बता देती हूँ कि ये लड्डू मैंने कल बनाए थे, लेकिन आज सुबह आप देख सकते हैं जब मैंने इनको तोड़ा तो अंदर इसकी चाशनी कितने अच्छे से क्लियर दिखाई दे रही है, ये देखिए। दूसरा, इसको बनाना बहुत आसान है, बूंदी वगैरह का कोई झंझट नहीं है और 3 स्टेप्स में हम इसको इजीली बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया चना दाल, जो कि मैंने आधा किलो लिया था और उसको रात भर के लिए भिगो दिया था। ये अच्छे से भीग चुकी थी, अच्छे से वॉश करके मैंने इसका पूरा पानी निकाल दिया था। कुछ इस तरह का हमें इसको रखना है, पानी का बिल्कुल यूज़ नहीं करना। और इसको लेंगे अब हम एक मिक्सी के जार में, और मिक्सी के जार में लेकर बिना पानी डाले ही हमें इसको ग्राइंड कर लेना है। तो ये 2 बार में ग्राइंड हुई थी जो मेरी दाल है। और इसको ग्राइंड करने के बाद आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, जो इसका मिक्सचर बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। ये देखिए, इतना दानेदार ये मिक्सचर बनकर तैयार होगा। तो इस तरीके से मैंने सारी दाल को ग्राइंड कर लिया और जो हमारा मिक्सचर था वो निकल आया है एक बर्तन में, आप देख सकते हैं। इस तरह का मिक्सचर हमारा रेडी हुआ। अब करना क्या है, हमें ना इसकी छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ उतारनी है, ठीक है जी। तो पकौड़ी किस तरीके से उतारनी है, बस हमें इसको बाइंड करना है हल्का सा, ऐसे ही रफली, कोई शेप वगैरह नहीं देनी, ऐसे रफली बाइंड किया और बीच से हल्का सा प्रेस कर दिया इस तरीके से, और तब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। उससे होगा ये कि ये अंदर तक सिकेगी, कच्ची नहीं रहेगी, इसका जो एक एक कण है वो अच्छे से भुन जाएगा दाल का। अब हम क्या करेंगे, भारी तरी का बर्तन लेंगे जिसमें हम लेंगे 250 ग्राम देशी घी, क्योंकि ये गणपति बप्पा का भोग है तो ये देशी घी में ही बनाया जाता है। अगर नॉर्मल आप बनाते हैं खाने के लिए तो आप वनस्पति घी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तेल में मत बनाइएगा, क्योंकि उसमें वो टेस्ट, वो फ्लेवर नहीं आएगा जो मार्केट के लड्डू का होता है। तो जी, घी हमारा यहाँ पर गर्म हो चुका है, मीडियम रखी है आँच, कोई आँच कम या ज़्यादा का कोई पंगा यहाँ पर हमें लेना नहीं है। मीडियम आँच पर ही हमें सारी पकौड़ियाँ उतारनी है और इसी तरीके से एक एक करके सारी पकौड़ियाँ हम इसमें डाल देंगे जितनी कढ़ाई में आती है। और फिर 1 से 2 मिनट बाद इनको थोड़ा अलट पलट करेंगे और लगभग 3 से 4 मिनट लगेगी आपको इनको सेकने में। ये मैंने सबसे पहले ट्राई किया था, ये देखिए 2 से 3 मिनट हो चुकी है और ये पीस अच्छे से इसका भुन चुका है, डीप फ्राई हो चुका है, जिसको हम अब निकाल लेंगे। तो जी, इसी तरीके से हमें सारे पकौड़ियाँ उतारनी है इसकी। बस ध्यान रखना है कि जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है और लगभग 4 से 5 मिनट तक लगेगी आपको एक बैच उतारने के लिए, क्योंकि तभी ये अंदर तक सिकेगी, दाल का जो एक एक कण है वो अंदर तक फ्राई होगा और तभी हमारे जो लड्डू है वो टेस्टी बनेंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की, जब ये हो जाएंगी तो हम इनको निकाल लेंगे। और ऐसा करके मैंने सारे पकौड़ियाँ उतार ली है, आप देख सकते हैं कलर इनका, आप देख सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पर तोड़कर भी दिखा देती हूँ, ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है। अब हम इसी तरीके से इनके ना छोटे छोटे पीसेस कर देंगे जिससे ये जल्दी ठंडी हो जाए। तो इस तरीके से मैंने इनको तोड़ दिया है छोटे छोटे पीसेस में और आप देख सकते हैं ठंडी अच्छे से हो चुकी है। तो अब हम इसको करेंगे ग्राइंड। अब हम क्या करेंगे, एक मिक्सी का जार लेंगे और उसमें इनको डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके, 2 या 3 बार में जितना भी आपका ये पिसता है उसी के अकॉर्डिंग थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी हमें लेनी है और इसका एक पाउडर बना लेना है। तो जी, ये देखिए पाउडर हमारा बन चुका है और कितना दानेदार पाउडर हमारा बनकर तैयार हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से जो बाकी की बची हुई पकौड़ियाँ थी उनको भी मैंने ग्राइंड कर लिया है और पूरा मिक्सचर हमारा ये तैयार हो गया है, जिसको मैंने निकाल लिया है एक बर्तन में, आप देख सकते हैं। पूरा जो मिक्सचर है हमारा वो बिल्कुल मोटा दानेदार बनकर तैयार हुआ है, जैसे कि जो छोटी छोटी बूंदी बनाते हैं ना हलवाई, सेम उसी तरीके से। अब हम चलते हैं इसके सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, एक बर्तन लेंगे जिसमें हम लेंगे चीनी। तो जी, चीनी हमें बराबर मात्रा में लेनी है, जैसे हमने आधा किलो दाल ली थी तो यहाँ पर आधा किलो ही हम चीनी लेंगे और इसमें बराबर मात्रा में डालेंगे पानी।
क्योंकि हमें यहाँ पर एक या दो तार की चाशनी नहीं बनानी। तो मैंने आधा लीटर पानी इसमें डाला और साथ ही डाल दिया है फूड कलर दो चुटकी, जो कि पूरी तरह से ऑप्शनल है। उबाल आने के बाद लगभग एक मिनट ही हमें इसको पकाना है मीडियम आँच पर और गैस कर देनी है बंद। अब चलते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ, जिसमें मैंने ली है एक कढ़ाई। यहाँ पर भी भारी तली का बर्तन ही आपको लेना है बनाने के लिए। और उसमें डालेंगे हम एक चम्मच घी देशी, और उसमें जो हमने मिक्सचर बनाया था ना दाल की पकौड़ियों का, वो सारा मिक्सचर अब हम इसमें डाल देंगे। और आँच यहाँ पर रखनी है बिल्कुल धीमी धीमी, आँच से तेज हमें नहीं करना। और जब 3 से 4 मिनट हो जाती है इसको चलाते हुए, तो आप देखेंगे कि इसका कलर चेंज हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने चाशनी बनाई थी वो चाशनी हम इसमें यहाँ पर ऐड कर देंगे। गैस हमारी स्लो ही रहेगी, ध्यान रखना है, और स्लो आंच पर ही हमें इसको चलाते रहना है। जब आपको 2 से 3 मिनट हो जाएगी, मुश्किल से 2 से 3 मिनट ही लगेगी, तो आप देखेंगे कि जो हमारा ये मिक्सचर है ना दाल का, ये थोड़ा सा गाढ़ा होने लगेगा कुछ इस तरीके से। और लगभग 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर ही जो हमारा मिक्सचर है ये अच्छे से गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है, अगर आपका मिक्सचर कुछ ज़्यादा ही गाढ़ा होने लगता है ना, तो आप यहाँ पर थोड़ा बहुत पानी भी इसमें डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी लड्डू बनाने में, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो ये मिक्सचर है अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। अब हम डाल देंगे इसमें 2 से 3 चम्मच मगज, खरबूजे के बीज, जो कि इसका मेन इन्ग्रीडियंट होता है, जिसके बिना ये लड्डू अधूरे होते हैं, वो मैंने डाल दिया है। और इसको ठंडा होने के लिए मैंने छोड़ दिया था। लगभग आधे घंटे बाद जब ये मिक्सचर हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया था, तो इसका जो टेक्सचर है वो कुछ इस तरह का बन गया है। अब हम क्या करेंगे, हाथ पे ना थोड़ी सी चिकनाई लगाएंगे और इस तरीके से बराबर क्वांटिटी में हाथ में लेंगे और इसके लड्डू बनाने शुरू कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितना आसान है ये लड्डू बनाना। ये देखिए लड्डू हमारा बनकर तैयार है, और इस तरीके से मैं इसके सारे लड्डू बना लूँगी। तो ये देखिए है ना बिल्कुल मार्केट वाले लड्डू, साथ ही मैंने इनके ऊपर चांदी का वर्क भी लगाया था, जिससे बिल्कुल ये मार्केट वाले लड्डू ही लग रहे थे। बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि इनको घर में बनाया है, लेकिन वो मैंने अलग रखे थे क्योंकि भोग में चांदी के वर्क वाली मिठाई यूज़ नहीं की जाती। दूसरा, इतने सॉफ्ट ये लड्डू हमारे बनकर तैयार हुए हैं, जब ताज़ा ताज़ा बने थे तो आप देख सकते हैं कि इनका टेक्सचर किस तरह का है। ये देखिए बिल्कुल जैसे हलवाई के लड्डू होते हैं ना, और वो उनको फिर ठंडा होने के लिए रख देते हैं सेट होने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा एक्स्ट्रा मॉइस्चर रखते हैं, जिससे रखने के बाद उनके लड्डू ना सूखे। सेम इसी तरह के लड्डू ये बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए जब फ्रेश फ्रेश बने तो इनका टेक्सचर आप देख सकते हैं। और जब अगले दिन मैंने इनको तोड़ा, तो वो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिखाया है और अभी भी दिखा देती हूँ कि इनका कलर भी बिल्कुल मार्केट वाला लग रहा है इस टाइम। और अगर हम इनको तोड़ते हैं तो अंदर आप इसके जूस देख सकते हैं, चाशनी कितने अच्छे से भरी हुई है, टेक्सचर आप इसका देख सकते हैं, बिल्कुल दानेदार टेक्सचर है। लग ही नहीं रहा कि इनको हमने घर पे बनाया है, और वो भी दाल से बूंदी वाला सेम इसका लुक दिखाई दे रहा है। साथ ही मार्केट से हम इतने महंगे लड्डू लेकर आते हैं, और ये घर पर आप देखिए केवल आधा किलो चना दाल से हमारे 1.5-2 किलो लड्डू ये बनकर तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड्स, घर पर लड्डू बनाइए, खाइए, और साथ ही लाइक और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और विजिट किए बिना बिल्कुल मत जाना, क्योंकि वहाँ पर आपको ढेर सारी ऐसी रेसिपीज़ मिलेगी जिनको आटे और गुड़ के साथ हेल्दी वे में बनाया गया है। देखने के लिए धन्यवाद।